वर्दी का तो नाम आजादी है, ये लोग को वर्दी के नाम पे, पुलिस के नाम पे गिनाना चाहिए जो हम वर्दी पहने गुंडागर्दी पे उतर जाते हैं। वर्दी का इज्जत वो लोग नहीं करते हैं, पैसा भी नहीं देते हैं, चले जाते हैं, पी लेंगे चाय पी लेंगे, पैसा मांगने पे देख नहीं रही वो वर्दी पहने हैं, पैसे के लिए टोक दी उनका इज्जत चला जाता है। बस पहन लिए, सरकार पैसा दे रही है, सरकार से उन लोग को बस पैसा लेना है और कुछ नहीं। पब्लिक बाहर में जाए, पब्लिक कहीं भी जाए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। बस उनको एक ही टाइम डर रहता है, इधर से नीतीश जी गुजरे, तेजस्वी जी गुजरे, तेज प्रताप जी गुजरे, बस इसी चीज़ का डर रहता है जो उनको किसी भी तरह सुरक्षित निकाल देना है। जनता मार पीट कर ले, मर जाए, कुछ भी कर, अरे शराबबंदी में कोई शराब पी के आके महिला के ऊपर आक्रमण करता है, जानलेवा हमला करता है, महिला जाती है थाना में रिपोर्ट करने, तो थानेदार बोलता है तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, तुमको जेल भेज देंगे, ये कहाँ का भाई न्याय है? ये बिहार का पहला नीतीश जी लागू किए हैं क्या न्याय? ये तो पहला न्याय नहीं है ना, गरीब लोग कहाँ जाएंगे? गरीब के लिए सरकार कुछ दे ना, सरकार तो कुछ दे नहीं रही है। पटना में 95% लोग हैं जो इंक्रोचमेंट में हैं, आप मेरा दुकान देख सकते हैं, रोड से कितना अंदर है मेरा दुकान। मैं गई थाने में, मैं बोली सर मुझे FIR करना है, तो किसके थ्रू? मैं बोली मुझे मारपीट किया गया, मुझे मारा पीटा है ड्रिंक करके। तो वो बोलता है जो तुम्हारा दुकान हटाओ, दुकान उखाड़ के तुम्हारा फेंक देंगे, तुमको जेल भेज देंगे, तुमको ये करेंगे, तुमको वो करेंगे। मेरा FIR नहीं लिया, वो मुझे भगा दिया धड़ा धमका के, सस्पेंस से मेरे सर फोड़ दिए, ठीक है, सर में चोट लगी है बहुत ज़्यादा, हाथ लाठी से मारे हैं, हाथ में हाथ वाथ पूरा फुला हुआ है, ठीक है, ये देख सकते हैं ब्लीडिंग है, पूरा जमा हुआ है, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये सर का देख सकते हैं। वर्तमान समय में पत्रकारिता किस तरह से हो रही है, इस बात को जानना हो तो TRP एक ऐसा जरिया है जहां पत्रकारिता हमारी घूम रही है। आपको याद होगा बिहार की राजधानी पटना में एक लड़की ग्रेजुएट चाय वाली बहुत फेमस हुई थी। फेमस इसलिए हुई थी क्योंकि उसको मीडिया ने खूब बढ़ चढ़ करके दिखाया था। जब उसको ये बात कर ले, अगर नगर निगम की बात कर ले तो नगर निगम की गाड़ी ने उसको उसके ठेला को हटा दिया था, तो तमाम मीडिया वहाँ पे पहुँची और मीडिया ने पहुँच करके उसकी समस्या का समाधान कराया। लालू यादव के पास भी वो लड़की गई और उसके बाद उसका ठेला छोड़ दिया गया था, वो सब बात की बात है। लेकिन यहाँ देखिए, हम सचिवालय के पास हैं और यहाँ पर मैडम जी का चाय दुकान है ये, और हम इनसे बात करेंगे क्योंकि कुछ देर पहले इनके साथ में हाथापाई कुछ लोगों ने किया है, असामाजिक तत्व कह लें या क्या कह लें, बाकी ये सब चीज़ें यही बताएंगी, इनसे सीधा बातचीत करते हैं। कितने बजे की घटना है ये सर? 10:30 से 11 बजे के बीच की घटना है। बाइक से आए तीन लोग, दो लड़का, मतलब कि दो लड़की थी, एक लड़का, बाइक से आए तीन लोग, बाइक से आए और वो यहीं पे बैठे हुए थे, एजेड है, 55-60 के बीच के होंगे उनका एज, ठीक है, ड्रिंक किए हुए था वो, पांच चाय मेरे से मांगा, मैं पांच चाय दे दी, ठीक है। उसका पेमेंट वो पूछा मेरे से कितना हुआ, मैं बोली 60 रुपया हुआ, ठीक है। वो यहाँ पे आया, वो बोला जो 60 रुपया हम नहीं देंगे, हम बोले सर क्यों नहीं देंगे आपका पाँच, तो हम नहीं पिए, हम बोले आप नहीं पिए, काउंटर से चाय चला गया है, ठीक है, मैं उतना पेमेंट लूँगी 60 रुपया। मैं उनसे पेमेंट मांगी, बस सस्पेंड रखा हुआ था, वो उठाए सस्पेंड से मेरे सर फोड़ दिए, ठीक है, सर में चोट लगी है बहुत ज़्यादा, हाथ लाठी से मारे हैं, हाथ में हाथ वाथ पूरा फुला हुआ है, ठीक है, ये देख सकते हैं ब्लीडिंग है, पूरा जमा हुआ है, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये सर का देख सकते हैं। तू क्यों मारा है आखिर में, ऐसा क्या हो गया, आपने नहीं, क्या आपने... मैं कुछ नहीं, बस उसको मैं बोली जो भैया गाली गलौज मत कीजिए, आप गाली गलौज यहाँ मत कीजिए, ठीक है, बस मैं इतना ही बोली। तो बोलते हैं रे तुम क्या कर लोगी, सस्पेंड उठाया और मुझे वो मारा, ठीक है, मुझे मारा, मेरे मार बहुत मार रहा था, हेडफोन वगैरह सब मेरा तोड़ तार दिया, मेरा ये कॉलर पकड़ लिया था, बहुत मारा पीटा। उसके बाद फिर एक था मेरा यहाँ पे, मतलब कि भाई जैसा था, स्टाफ ही मान लो, भाई जो भी मान लो, ठीक है, साथ में काम करता था, वो बचाने गया तो उसका सर फाड़ दिया मार के, उसको 3 स्टिच लगाया, उसको मैं घर छोड़ के आई हूँ, सचिवालय थाना गई उसके बाद सारा चीज़ लेके। तो सचिवालय थाना बोलता है जो तुम ही पे हम केस कर देंगे, तुम इलीगल तरीके से चलाती हो, तुमको बार बार हम जाके मना करते हैं, दुकान हटाओ वहाँ से, लेकिन तुम दुकान नहीं हटाती हो, बार बार तुम ऐसे करती हो, तुम्हें पे हम केस करेंगे, पहले तुमको जेल भेजेंगे, उसके बाद ही हम किसी पे एक्शन लेंगे। जबकि वो ड्रिंक किए हुए था वो बंदा,
ठीक है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सचिवालय थाना एक बार भी नहीं आया, यहाँ तक कि ये VIP रोड है, सबसे बड़ी बात है ये बहुत बहुत बड़ा VIP, यहाँ पे सब नेता मंत्री न्यायाधीश वगैरह ही रहते हैं, CM डिप्टी CM सारे लोग इस लेन में रहते हैं, सबको इधर से जाते हैं तो VIP मोमेंट हो जाता है, रोड का एक रोड पूरा एकदम खाली हो जाता है, एक मच्छर भी रोड पे नहीं दिखना चाहिए, इतना खाली हो जाता है रोड पे। लेकिन इस रोड में नीतीश जी बोलते हैं जो शराब बंद उनके लिए बस शराब बंद है, वो बोल दिए देश में शराब बंद है, ऐसे नहीं होता है ना। दिन दहाड़े वो ड्रिंक करके किसी महिला पे वो हमला करता है, लेकिन यहाँ का पुलिस प्रशासन, जबकि यहाँ पे हमेशा 2 जिप्सी लगना चाहिए था, जो यहाँ 2 जिप्सी लगा के 5 यहाँ पे होता है, यहाँ पे अगर यहाँ का तो ऐसा है जो अगर किसी के साथ कोई घटना होता है तो पब्लिक भी सपोर्ट नहीं करती है, और पुलिस कुछ से भी आप हेल्प मांगो तो पुलिस बिहार की पुलिस या फिर पटना की पुलिस या फिर कहीं की भी पुलिस हो, आपको कोई हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि महिला होने के नाते आप ही को दबाएंगे जो तुम ही गलत हो, महिला कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। वो लोग यही दिखाना चाहते हैं जो महिला कुछ नहीं कर सकती है, सरकार बोलता है ये योजना लागू कर दिया, वो योजना लागू कर दिया, नीतीश जी बोलेंगे महिला सशक्तिकरण, PMO का है महिला ये करण, महिला वो करण, कन्या उत्थान योजना ये उत्थान महिला के लिए इतना, लेकिन पुलिस प्रशासन को तमीज तक नहीं होती है जो महिला से हम कैसे बात करें। क्या बात और ये बात कह रहे हैं, मैं गई थाने में, मैं बोली सर मुझे FIR करना है, तो किसके थ्रू, मैं बोली मुझे मारपीट किया गया, मुझे मारा पीटा है ड्रिंक करके, तो वो बोलता है जो तुम्हारा दुकान हटाओ, दुकान उखाड़ के तुम्हारा फेंक देंगे, तुमको जेल भेज देंगे, तुमको ये करेंगे, तुमको वो करेंगे, मेरा FIR नहीं लिया, वो मुझे भगा दिया धड़ा धमका के। कारण क्या हो सकता है कि वो एक थाना प्रशासन इस तरह से बातें कर रहा है, क्या कारण हो सकता है? कारण ये है इनक्रोचमेंट यहाँ पे बार बार, अरे इनक्रोचमेंट होती है, गरीब लोग कहाँ जाएंगे, गरीब के लिए सरकार कुछ दे ना, सरकार तो कुछ दे नहीं रही है, पटना में 95% लोग हैं जो इनक्रोचमेंट में हैं, आप मेरा दुकान देख सकते हैं, रोड से कितना अंदर है मेरा दुकान, ठीक है, रोड से मेरा दुकान कितना अंदर है आप देख सकते हैं, बाकी सबका दुकान देख सकते हैं फुटपाथ पे लगा है, प्रशासन को उससे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा दुकान इतना अंदर होने के बावजूद भी प्रशासन को मेरे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्या दुकान ज़्यादा चलता है इसलिए आपको दिक्कत है, या आप पैसा नहीं देती है प्रशासन को, क्योंकि बाहर वाले जो लोग हैं वो हो सकता है प्रशासन को पैसा देता है? मेरा दुकान चलता भी है, ठीक है, नो डाउट मेरा दुकान चलता है, मैंने कोई पब्लिसिटी नहीं किया है, मुझे कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, मेरा दुकान चलता है। दूसरी बात, मैं किसी को पैसा नहीं देती हूँ, घूस मैं नहीं देती हूँ, उन लोग को घूस चाहिए होता है, मैं घूस नहीं देती हूँ, इसलिए हमेशा वो मेरे से ये करते रहते हैं। आपसे कभी घूस मांगा गया? हाँ, मेरे से मांगा गया, बहुत बार मांगा गया, नगर निगम के थ्रू मांगा गया है, प्रशासन के थ्रू मांगा गया, पुलिस प्रशासन तो आते हैं तो खा पी लेते हैं, चाय वाय पी लेंगे, पैसा भी नहीं देते हैं, चले जाते हैं इस दुकान पे? हाँ, इस दुकान पे पी लेंगे, चाय पी लेंगे, पैसा मांगने पे देख नहीं रही हो वर्दी पहने हैं, पैसा के लिए टोक दी, उनका इज्जत चला जाता है, ठीक है, उनका वर्दी का इज्जत वो लोग नहीं करते हैं, ठीक है, बस पहन लिए, सरकार पैसा दे रही है, सरकार से उन लोग को बस पैसा लेना है और कुछ नहीं, पब्लिक बाहर में जाए, पब्लिक कहीं भी जाए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, बस उनको एक ही टाइम डर रहता है, इधर से नीतीश जी गुजरे, तेजस्वी जी गुजरे, तेज प्रताप जी गुजरे, बस इसी चीज़ का डर रहता है, जो उनको किसी भी तरह सुरक्षित निकाल देना है। जनता किसे भी है, कोई जनता मार पीट कर ले, मर जाए, कुछ भी कर, अरे शराबबंदी में कोई शराब पी क्या के महिला के ऊपर आक्रमण करता है, जानलेवा हमला करता है, महिला जाती है थाना में रिपोर्ट करने, तो थानेदार बोलता है तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, तुमको जेल भेज देंगे, ये कहाँ का भाई न्याय है, ये बिहार का पहला नीतीश जी लागू किए हैं क्या न्याय, ये तो पहला न्याय नहीं है ना, ऐसे नहीं होता है ना, या तो तुम सीधे कर दो, लागू कर दो, नीतीश जी लागू कर दे, महिला घर से बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है,
पूरा पटना, पूरा बिहार नक्सलाइट हो गया है। महिला घर से बाहर नहीं निकलेगी 5 बजे के बाद। लॉकडाउन कर दो, कर्फ्यू लगा दो, सचिवालय में 144 धारा लगा दो। सचिवालय में कोई एक बंदा नहीं घूमेगा। ये VIP रोड है, यहाँ CM रहते हैं, डिप्टी CM रहते हैं, यहाँ पे सारे मंत्री रहते हैं, न्यायाधीश रहते हैं। इसमें 144 धारा लगा दो। ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे हजारों दुकान चल रहा है, नेता मंत्री का बिल्डिंग ठोक ठोक के दुकान चल रहा है इलीगल जगह पे। कभी सरकार आवाज नहीं उठाई जो ये ऐसा नहीं है ना, जो नीतीश जी जाते हैं तो आंख बंद करके जाते होंगे इधर से। तो नेताजी का दुकान है ना, बिल्डिंग ठोका हुआ है ना, दीवार से बना हुआ है ना, सरकार का आंख नहीं है, दिखता नहीं है, दिखता ही होगा ना। कभी सरकार ने ऑब्जेक्शन उठाई जो यहाँ पे बिल्डिंग क्यों बना है, ये बिल्डिंग किस लिए बना है? कभी सरकार ऑब्जेक्शन नहीं लगाई, कभी सरकार ऑब्जेक्शन नहीं उठाई जो इसका जांच करो, इसका पड़ताल करो, कुछ नहीं। लेकिन जो काट लगा के, ठेला लगा के पेट पाल रहे हैं, उनके लिए थाना रोज आके परेशान करेंगे, मारपीट करेंगे, गंदी गंदी गाली देंगे। वर्दी का तो नाम आजादी है, ये लोग को वर्दी के नाम पे, पुलिस के नाम पे घिन आना चाहिए। जो हम वर्दी पहने गुंडागर्दी पे उतर जाते हैं। BJP का रास्ता तो लोग बोलते थे BJP रहीशों का राज है, तेजस्वी जी का राज है, तो तेजस्वी जी के अंडर में तो नगर विकास है, नगर निगम है, स्वास्थ्य विभाग है, फिर भी कहाँ गए नगर निगम के महिषा? कहाँ बैठे हुए हैं? बस जाके 2 दिन रात में जाके हॉस्पिटल चेक कर लिए। कभी रोड पे वाले से पूछे हैं जो, हाँ बहन, हाँ भाई, तुम्हारा रोजगार कैसा चल रहा है? तुम भाई अलॉट करके दे दो ना, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, सरकार को भी पैसा आएगा, जनता भी खुश रहेगा, गरीब भी खुश रहेगा, हर कोई खुश रहेगा। लेकिन नहीं, ऐसा तो करना ही नहीं है, स्मार्ट सिटी बनाना है। स्मार्ट बुद्धि होगा तभी तो स्मार्ट सिटी बनेगा ना। अब सिटी बनाने से क्या फायदा जब कोई महिला सुरक्षित ना? स्मार्ट बुद्धि रहे तो ना स्मार्ट सिटी बने। स्मार्ट सिटी तो यहाँ बना ही नहीं रहे हैं। अब तो दारू पी के आ रहे हैं, महिला पे जानलेवा हमला कर रहे हैं, और बाकी सरकार नींद से सोया हुआ है, कुछ नहीं। चलिए, हर कोई यहाँ पे बस ऐसे ही कर रहा है। मैडम जी का चाय का ढाबा ये दुकान है, और ये लोकेशन सचिवालय के पास है। आपको बताएं कि इनका गलती बस इतना है कि ये प्रशासन को घूस नहीं देती है। ऐसा ये कह रही है कि प्रशासन को ये घूस नहीं देती है, इसलिए इनके FIR को नहीं लिया गया है। बाकी 2-3 लोग इनके दरवाजे दुकान पे आते हैं, और दुकान पे आने के बाद में इनको मारते हैं, पैसा मांगते हैं तो पैसा नहीं देते, एकदम कहा जाए तो गुंडागर्दी है। और ये आरोप लगा रही है बिहार प्रशासन पे, सीधा सीधा आरोप लगा रही है कि वो लोग चाय पीते हैं, दुकान पे सिगरेट पीते हैं, और जब पैसा मांगा जाता है तो साफ तौर पर कहते हैं कि तुमको दिख नहीं रहा है हम वर्दी में है। वर्दी में है तो क्या हुआ साहब? वर्दी में है तो आप पैसा नहीं दीजिएगा। ये भारत के संविधान में नहीं है कि जो वर्दी में होगा वो पैसा देगा, या भारत के संविधान में ऐसा नहीं है कि गाड़ी पे आप वर्दी लिखवा, प्रेस लिखवा लीजिएगा, पुलिस लिखवा लीजिएगा तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। और बात बात में धमकी भी इनको देते हैं कि दुकान तुम्हारा हटवा लिया जाएगा, ये घूस नहीं देती है इसलिए। और बाकायदा ये इलाका आपको दिखाएं तो यहाँ से मात्र अगर कहा जाए तो 100 मीटर की दूरी पर नीतीश कुमार का आवास होगा, 200 मीटर की दूरी पर तेजस्वी यादव का आवास होगा। लगभग सारे मंत्री और सारे विधायक का, बिहार को जो चलाते हैं उन सारे लोगों का घर बस इसी इलाके में है। और यहाँ पे इनकी समस्या ये है कि बस यहाँ पे ये चाय का दुकान चलाती है, और बिहार प्रशासन में जो लोग हैं उन लोग को ये घूस नहीं देती है, नगर निगम को ये घूस नहीं देती है, इसलिए इनके साथ में मारपीट किया जाता है। जब FIR करने जाती है तो इनका बात नहीं सुना जाता है। बाकी नाम हमारा कैसा हुआ, पब्लिकेशन आप देख रहे हैं, बहुत बहुत